हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स का फॉरफिटिंग ऑफ शेयर्स करेंगे, किस प्रकार से जो है अंशों को जब्त किया जाता है और अंशों को जब्त करने के बाद उन्हें रीइशू किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शेयरों को जब्त किया जाता है। व्हेन शेयर आर इशूड एट पार, व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, एंड प्रीमियम अमाउंट इज ऑलरेडी रिसीव and premium amount is not received। तो किस प्रकार से जो है लिखा उसको हम इसकी एंट्री करेंगे। तो हम करते हैं कि forfeiture of शेयर से आप क्या समझते हैं। आग्रह यही रहेगा आप ही अपने सभी चाहने वालों से कि वीडियो को अंत तक देखें, तब देखें जब आपके पास समय हो, और पूरा समय लगाकर देखें और वीडियो को कभी भी बीच में क्विट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से ना तो आपको ही कोई भी टॉपिक समझ आएगा और ना ही जो है आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि वीडियो को जब भी आप देखें तो पूरा देखें और अंत तक देखें और समय लगाकर देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फॉरफिटिंग ऑफ शेयर्स। तो शेयरों को किस प्रकार से, व्हाट डू मीन बाय फॉरफिटिंग ऑफ शेयर्स, कि अंशों को जब्त करने से आपका अभी क्या क्या अभिप्राय है। यदि कोई अंशधारी आवंटन या याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी के संचालक मंडल के पास यह अधिकार होता है कि कंपनी के द्वारा दिए गए अंशों को जब्त कर ले। जब्त करने से हमारा अभिप्राय कि वह राशि जो आपको ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है उसको जब्त करने का अधिकार होता है। अर्थात फॉरफिटिंग ऑफ शेयर से हमारा अभिप्राय कि अंशधारियों का नाम अंशधारियों के रजिस्टर से काट दिया जाए, उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाए और उनके द्वारा दी गई राशि को जो है वो जब्त कर लिया जाए। यदि कोई अंशधारी 12 माह की अवधि के अंदर जो है अंशों की राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी के संचालक मंडल के पास यह अधिकार होता है कि वह कंपनी के द्वारा कि वह जनता के द्वारा जितने भी शेयर जिन शेयर होल्डर ने जो है पैसा दिया है उनके द्वारा जितना पैसा दिया गया और बाकी का उन्होंने जो पैसा नहीं दिया उस पैसे को वह जब्त कर ले। जो पैसा दिया है अर्थात जब्त कर दिया जाए और उनका नाम अंशधारियों के रजिस्टर से काट दिया जाए, उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाए और उनके द्वारा दी गई राशि को जब्त कर लिया जाए। जब उन शेयर उनके कंपनी को जब के बाद जब वह अधिकार होता है, यह अधिकार जो है वो कंपनी को कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार प्राप्त होता है। और जब शेयर को जब्त कर लिया जाता है तो कंपनी के पास यह अधिकार भी आता है कि उनके द्वारा जो दिए गए अंश जिनको उन्होंने जब्त किया उन्हें वह पुनर्निर्मित भी कर सकती है। अब क्वेश्चन आइए कि जब करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जब भी कंपनी जो है वो जो शेयर होल्डर जो है वो राशि का भुगतान नहीं करते हैं उनके अंशों को जब्त करने का अधिकार जो है वो कंपनी को किस प्रकार से होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बड़े ध्यान से सुने आप इस बात को कि सबसे पहले तो कंपनी के अंतर नियमों में इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि वह जो ऑलरेडी शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा दे दिया है और आगे जो है उन्होंने कुछ राशि का भुगतान नहीं किया है तो कंपनी को उन शेयरों को जब्त करने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात ये अंतर नियमों में बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए। यदि कंपनी का कोई ऐसा अंतर नियम नहीं बनाया है, कोई भी ऐसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया है, आंतरिक अंतर नियम नहीं बनाया है जिसको आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की संज्ञा देते हैं, यदि वह कंपनी ने नहीं बनाया है तो कंपनी को कंपनी एक्ट के अनुसार टेबल एफ को अडॉप्ट करना पड़ता है। टेबल एफ के अनुसार कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इसके अंदर क्या यह है कि कंपनी जब भी शेयरों को जब्त करना चाहती है तो जब्त करने से पहले 12 माह की अवधि तक कंपनी जो है इंतजार करती है और 12 माह पूरा हो जाने के बाद यदि कोई शेयर होल्डर जो राशि का भुगतान नहीं करता है तो सबसे पहले जो है वो कंपनी क्या करती है कि 14 दिन का नोटिस देती है। और 14 दिन का नोटिस देने के पश्चात भी यदि कोई और 14 दिन का नोटिस में यह स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है कि आप जो है 14 दिन के अंदर जो है राशि का भुगतान कर दें ब्याज सहित, तो यदि फिर भी कोई राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी के संचालक मंडलों के पास यह अधिकार होता है कि उनके द्वारा दी गई राशि को जो है जब्त कर ले और उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाए, उनका नाम अंशधारियों से रजिस्टर से काट दिया जाए और उन्हें इस प्रकार से स्पष्ट रूप से जो है उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी जाए। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि शेयर होल्डर को जो है ये 14 दिन का नोटिस जो है वो देना अनिवार्य है। 14 दिन तक फिर आप 12 माह की अवधि पूरा हो जाने के बाद आप 14 दिन का नोटिस देंगे और 14 दिन का नोटिस देने के बाद आप 14 दिन तक इंतजार करेंगे और यदि तब भी वह राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी के संचालक मंडलों के पास ये अधिकार रहता है कि उनके द्वारा दी गई राशि को जब्त कर लिया जाए। तो ये सारी बातें जो है वो कंपनी के
आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वर्णित कर दी जाती है, और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वर्णित नहीं है तो मैंने जैसे आपको बताया कि टेबल एफ के अनुसार आपको 14 दिन पहले जो है नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस देने के बाद भी यदि कोई अंशधारी जो है राशि का भुगतान नहीं करता है तो आपको यह अधिकार है कि वह कंपनी को यह अधिकार है कि वह उसके सारे अंशों को जब्त कर ले, जो अंशों की दी गई राशि को जब्त कर ले और उसे डिफॉल्टर घोषित करके अब कंपनी के बाद जब ये आ जाते हैं तो कंपनी को उन्हें पुनर्निर्माण का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब बात आती है कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं कि व्हेन शेयर आर इशूड एट पार, व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम और व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। दो कंडीशन आपके पास होती है कि व्हेन फॉरफिटेड टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड, एंड सेकंड कंडीशन है कि व्हेन फॉरफिटेड टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। तो किस प्रकार से जो लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करते हैं, लेखा पुस्तकों में इसको किस प्रकार से दिखाते हैं, तो बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और क्लियर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि शेयर कैपिटल को कार्ड अकाउंट से डेबिट कर दिया जाता है, जिसके लिए आप एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल को कार्ड अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा, जितनी राशि आपने जनता से मंगाई उससे जो है कार्ड अकाउंट से जो है वो शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 1000 शेयर इशू करते हैं, आप जनता को शेयर जो है 1000 शेयर इशू करते हैं एट द रेट ऑफ ₹10, इसका मतलब है एट पार, और आपको ₹2 एप्लीकेशन पे प्राप्त होता है, ₹3 अलॉटमेंट पे और ₹5 जो फाइनल कॉल पे, ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹3 फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट पे और ₹3 जो है वो कॉल्स में जो है ₹5 जो आपको कॉल्स में प्राप्त होता है, ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे और ₹5 कॉल्स पे प्राप्त होने थे, परंतु एक बंदा जिसके पास 1000 शेयर थे उस व्यक्ति ने जो है वो एप्लीकेशन के पैसे तो दे दिए परंतु अलॉटमेंट के और कॉल के पैसे नहीं दिए। तो आप किस प्रकार से जो है वो आप शेयरों को जब्त करेंगे, तो जब आप शेयरों को जब्त करेंगे तो 1000 शेयर का कार्ड अकाउंट आपने सारा का पैसा मंगा लिया, 1000 शेयर का ₹10 के हिसाब से 10,000 आपको नहीं आया, तो आपने क्या किया जी 10,000 को डेबिट कर दिया, 1000 शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। जो पैसा नहीं आया अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 1000 शेयर का ₹3 के हिसाब से ₹3,000 नहीं आया, आपको कॉल का पैसा नहीं आया मतलब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया कितना, ये तो था जी आपका 1000 शेयर का ₹3 के हिसाब से ₹3,000 नहीं आया, और आपको नहीं आया क्या जी कॉल्स का पैसा भी 1000 शेयर का ₹5 के हिसाब से कितना नहीं आया जी ₹5,000। इसका मतलब आपको आया कितना सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया ₹2, इसका मतलब है 1000 शेयर का ₹2 के हिसाब से केवल मात्र आपको एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ, इसका मतलब आपको जो है वो ₹2,000 प्राप्त हुआ। जो पैसा आपको ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है उसको जब्त करने का अधिकार जो है कंपनी के संचालक मंडल के पास होता है। तो बीइंग फॉरफिटेड शेयर बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एट कॉल्स बनी, इस प्रकार से इसके निर्णय लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि जब एन शेयर आर इशूड एट पार और आपको जो है वो पैसा प्राप्त नहीं हो तो लेखा पुस्तकों में जो है इस प्रकार से एंट्री कर दी जाती है। अब बात आती है कि कई बार क्या होता है कि आप जो है वो फाइनल कॉल नहीं मंगाते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल कॉल का अमाउंट जो है वो कम कैसे होता है कि मान लो आपने 1000 शेयर इशू किए जिसमें ₹2 जो आपने अलॉटमेंट किए, ₹2 आपने एप्लीकेशन की किए, ₹3 अलॉटमेंट किए और ₹2 जो आपके फर्स्ट कॉल के और ₹3 फाइनल कॉल पे, यदि आपने फाइनल कॉल लोड अभी अब तक मंगाई नहीं है, तो एक बंदा जिसके पास फाइनल कॉल आपने अभी नहीं मंगाई है मतलब कॉल का अमाउंट से शेयर कैपिटल को कैसे डेबिट किया जाता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉल अकाउंट से शेयर कैपिटल को कैसे डेबिट किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री करेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि एक बंदा जिसके पास 1000 शेयर थे उसने केवल मात्र आपको एप्लीकेशन के पैसे दिए, उसने नहीं दिया अलॉटमेंट के और नहीं दिए कॉल्स के और आपने फाइनल कॉल तो मंगाए नहीं, ठीक है जी फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि फिर उस कंडीशन के अंदर आप लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री करेंगे, कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, आपने जो है केवल मात्र मंगाए 2, 3, 5 और 7 रुपीज मंगाया आपने, तो मतलब 1,500 रुपए का ₹7 के हिसाब से ₹7,000 जो आपका कॉल्ड अप अमाउंट है, और जो पैसा आपको अलॉटमेंट का नहीं आया 1000 शेयर का कितने रुपए के हिसाब से ₹3 के हिसाब से आपको ₹3,000 नहीं आया, आपको नहीं आया किसका नहीं आया जी फर्स्ट कॉल का शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया क्योंकि फाइनल कॉल को आप तो आपने मंगाया ही नहीं, और शेयर फर्स्ट कॉल का कितना नहीं आपको 2,000, इस प्रकार से 2,000 जो आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, और जो पैसा आपको मिला वो कितना है जी 1000 शेयर का ₹2 के हिसाब से आपको 2,000 मिला। तो इस प्रकार से जो है वो लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करते हैं, वेन कॉल्ड अप अमाउंट से जो है शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा।
अर्थात जब शेयरों को आप बार बार निर्मित करते हैं तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा, जिनका पैसा आपको नहीं मिला टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स, और जो पैसा आपको मिला वो शेयर बोर्ड में जाएगा अर्थात टू शेयर फॉरफिटेड। इस प्रकार से जो है वो लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री की जाएगी, इस प्रकार से इसको लेखा पुस्तकों में दिखाया जाएगा। अब आता है कि व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, कि जब आपने शेयरों को प्रीमियम पर निर्मित किया, जब आपने शेयरों को प्रीमियम पर निर्मित किया तो लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री की जाती है, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, जो आपने प्रीमियम पर निर्मित किया। इशूड एट प्रीमियम का मतलब होता है कि जब 10 रुपए की चीज को आपने 12 रुपए में निर्मित किया, दैट मींस की 2 रुपए प्रीमियम, इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। तो इस प्रकार किस प्रकार से जो है आप लेखा पुस्तकों में एंट्री करेंगे, कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो 2 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 5 रुपए, 5 रुपए जो है अलॉटमेंट पे और 5 रुपए कॉल पे, मतलब क्या कि 2 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के टाइम में आपको मिला, तो किस प्रकार से जो है लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करते हैं, जो प्रीमियम आपको रिसीव हुआ ये आपका 3+2 2 रुपए प्रीमियम के और 3 रुपए जो है कैपिटल के हैं, तो किस प्रकार से जो है लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करेंगे। अब क्वेश्चन आई है कि सिचुएशन की आपके पास कि एक बंदा जिसके पास 1000 शेयर थे, आपने 10 रुपए पर शेयर 2 रुपए प्रीमियम के साथ इशू किए, 2 रुपए जो है वो प्रीमियम के साथ इशू किए और आपको पैसा मिला था 2 रुपए एप्लीकेशन में मिला था, 5 रुपए आपको अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम और 5 रुपए आपको कॉल पे मिला था, तो किस प्रकार से जो है वो लेखा पुस्तकों में जो आप इसकी एंट्री करेंगे और किस प्रकार से इसको दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो क्योंकि अब आपके पास कंडीशन है, कंडीशन ये है कि व्हेन फॉरफिटेड टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। तो यहां ध्यान रखें इस बात का कि जब आपने जो है क्या किया कि आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, अगर आपको प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला और आपने शेयरों को जब्त कर लिया, शेयरों को जब्त करने से मतलब प्रीमियम का पैसा रिसीव करने से पहले ही रिसीव नहीं हुआ आपको और आपने शेयरों को जब्त कर लिया, तो लिखा पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री की जाएगी। मैंने आपको बताया कि एक बंदा जिसके पास 1000 शेयर थे, 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से किए, 2 रुपए प्रीमियम के साथ, जिसमें 2 रुपए आपको एप्लीकेशन में मिलते हैं, 5 रुपए आपको अलॉटमेंट में मिलते हैं, जिसमें 3 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के हैं और 5 रुपए आपको पास के मिलते हैं, और इन शेयरों को आपने जब्त कर लिया, तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा 10,000 से, 1000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से 10,000 से। सिक्योरिटी जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसको भी डेबिट किया जाएगा, सिक्योरिटी जो आपका प्रीमियम रिजर्व है उसको भी डेबिट किया जाएगा, और भी डेबिट किया जाएगा कितने से, जितना पैसा आपको नहीं मिला, क्योंकि आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, इसका मतलब आपको प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, 1000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए, जो पैसा आपको अलॉटमेंट का नहीं मिला कितना नहीं मिला 5000, तो इस कंडीशन में 5000 आपको नहीं मिला, आपको जो क्या कार्ड का नहीं मिला वो भी आपको 5000 नहीं मिला, और जो आपको मिला वो कितना मिला जी 2000, तो इस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करते हैं। अर्थात मेरा समझाने का आपको तात्पर्य है कि अगर आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता और आप शेयरों को जब्त कर लेते हैं, दैट मींस की फॉरफिटेड, वेल फॉरफिटेड टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है किस प्रकार से जो है लेखा पुस्तकों में एंट्री करते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसका मतलब यहाँ इस बात का सबसे पहले तो आप ये समझे कि आपने शेयरों को जब्त कर लिया कि आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था, जब पहले प्रीमियम का पैसा मिलने से पहले ही आपने शेयरों को जब्त कर लिया, क्योंकि शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो यदि ऐसा किया जाता है तो लेखा पुस्तकों में जो है वो क्या एंट्री करते हैं, तो ध्यान रखिए इस बात का कि शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट किया जाएगा, तो एंट्री की जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स और टू शेयर फॉरफिटेड, इस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाएगी। कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा जो नहीं मिला उससे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट किया जाएगा, अलॉटमेंट का जो पैसा नहीं मिला उससे अलॉटमेंट को क्रेडिट किया जाएगा, शेयर कॉल्स का जो पैसा नहीं मिला उससे शेयर कॉल को क्रेडिट किया जाएगा, और जो पैसा मिल गया उससे शेयर कॉल को क्रेडिट किया जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद अगली कंडीशन क्या थी कि व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम इज रिसीव्ड, और जब आपको प्रीमियम का पैसा जो है वो रिसीव हो जाता है तो लेखा पुस्तकों में आप किस प्रकार से एंट्री करते हैं। ध्यान रहे सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें कि अगर आपको प्रीमियम का पैसा रिसीव होता है तो आप प्रीमियम के पैसे को जब्त नहीं करते हैं, दैट मींस की व्हेन प्रीमियम फॉरफिटेड टेक प्लेस आफ्टर, बिफोर नहीं बल्कि आफ्टर द
प्रीमियम इज रिसीव, कि जब आपको प्रीमियम रिसीव हो उसके बाद जो आप शेयर को जब करते हैं, मतलब आपको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, इसलिए कंपनी एक्ट के अनुसार भी ये क्लियर बताया गया है कि अगर आपको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो उसको जब्त करने का कोई भी औचित्य नहीं है, उसको जब्त नहीं किया जाता। ऐसी कंडीशन के अंदर जैसे आप पार की एंट्री करते थे बिल्कुल वैसे ही एंट्री करते हैं, मतलब पार की तरह एंट्री करनी है प्रीमियम का उस कंडीशन में, क्योंकि प्रीमियम की राशि को जब्त नहीं किया जाता, उसके जब्त करने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। तो किस प्रकार से जो है उसकी कंडीशन में रेखा उसको एंट्री करेंगे, कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास था कि एक बंदा जिसके पास 1000 शेयर थे, एक बंदा जिसके पास 1000 शेयर थे उस बंदे ने जो है एप्लीकेशन के पैसे भी दे दिए और अलॉटमेंट के पैसे भी दे दिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन के पैसे भी दे दिए और अलॉटमेंट के पैसे भी दे दिए, और उसने नहीं दिए कार्स के पैसे नहीं दिए, मतलब शेयर फर्स्ट काल या शेयर काल से रखे हैं तो शेयर काल के पैसे नहीं दिए, तो किस प्रकार से हम इसकी एंट्री करते हैं, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल पार की तरह करते हैं। तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा कार्डक अमाउंट से, कितना जी 10,000, ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल गया इसलिए यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट को जो है वो क्रेडिट नहीं किया जाएगा। आपको मान लो ये कार्स भी जो है डबल, मैं तो डबल में मार देता हूँ, मैं ये 3 रुपीज की थी फर्स्ट कार और फाइनल कार 2 रुपए की थी, तो किस प्रकार से लिखा उसको हम इसकी एंट्री करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आप जो है शेयर फर्स्ट कार टू शेयर फर्स्ट कार, जो आपको पैसा फर्स्ट कार का नहीं मिला वो लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कार का कितना मिला जी आपको 3000, और जो आपको पैसा नहीं मिला शेयर फाइनल कार का तो लिख देंगे शेयर फाइनल कार, फाइनल कार का जो पैसा नहीं मिला यहाँ पर लिखेंगे शेयर फाइनल कार का, ठीक है जी। कितना नहीं मिला जी फाइनल कार का आपको 2000, और आपको मिला कितना ध्यान रखेंगे प्रीमियम का पैसा इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसमें 3 रुपए कैपिटल के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 3 रुपए कैपिटल के जो आपको नहीं मिले वही आप लेना है, 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम में मिले और 3 रुपए जो अलॉटमेंट के टाइम में भी आपको जो है वो रिसीव हो गए, अलॉटमेंट प्रीमियम का भी पैसा आपको मिल गया परंतु प्रीमियम के पैसे को फॉरफिट नहीं किया जाएगा ध्यान रखना इस बात का। तो इस बार तो यहाँ पर 2 शेयर जो आपके फॉरफिट किए जाएंगे वो किए जाएंगे 2 शेयर फॉरफिट, टू शेयर फॉरफिटेड और फॉरफिटेड की जाएगी ध्यान रखना इस बात का कितने पैसे से जी जितना पैसा जो है आपको मिल चुका है। तो शेयर फॉरफिट का आपको टोटल पैसा मिल गया जी 5000 क्योंकि 2 रुपए एप्लीकेशन पे और 3 रुपए अलॉटमेंट के। तो इस प्रकार से जो है इसकी एंट्री करते हैं। एक बार पुनर्पीट कर रहा मैं कि किस प्रकार से जो है वो शेयरों को जब्त करते हैं, कि वह शेयर जो है वो एट बार एट प्रीमियम पर जो है इशू किया जाता है और उनको फॉरफिट किया जाता है। तो पहली कंडीशन थी कि व्हेन शेयर आर इशूड एट पार एंड शेयर फॉरफिटेड, कि फॉरफिटेड शेयर व्हेन शेयर आर इशूड एट पार, तो वह जब शेयरों को फॉरफिट पे एट पार करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और जो पैसा आपको नहीं मिला कार्डक अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, जो पैसा आपको अलॉटमेंट का नहीं मिला तो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया जाएगा, कार्स को भी क्रेडिट किया जाएगा जो आपको कार्स का पैसा नहीं मिला, और जो पैसा मिल गया शेयर फंड को उससे क्रेडिट किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर प्रीमियम की बात करेंगे व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, तो आपके पास 2 कंडीशन है कि प्रीमियम व्हेन फॉरफिटेड टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड, ये अगर आपको प्रीमियम का पैसा मिला नहीं और आपने जो है वो शेयर को जब्त कर लिया तो एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जो पैसा आपको नहीं मिला 2 शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर कॉल्स, और जो पैसा मिला 2 शेयर प्रॉफिट, इस प्रकार से लिखा उसको हम इसकी एंट्री करते हैं। इसी प्रकार से कि अगर आप अगली कंडीशन है कि व्हेन द फॉरफिटेड टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड, तो आप सभी जानते हैं पार की तरह इसकी एंट्री की जाती है, अर्थात आप एंट्री करते हैं क्या एंट्री करते हैं जी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर अगर अलॉटमेंट का पैसा तो मिल गया क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही हुआ, तो 2 शेयर कॉल्स और 2 शेयर फॉरफिटेड जो पैसा आपको मिल चुका है। तो इस प्रकार से जो है इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री करते हैं। तो ये था कि हमारा कि किस प्रकार से शेयरों को जब्त करते हैं फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।